नमस्कार, मैं अर्चना मिश्रा लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो क्लास टेंथ का कॉमर्स है, उसमें आपने लाभ हानि खाता बनाना, व्यापार खाता बनाना आपने देखा कैसे बनता है। आज हम उससे में आगे देखेंगे आर्थिक चिट्ठा कैसे बनाया जाता है, यानी बैलेंस शीट कैसे बनाता है। चलिए देखते हैं बैलेंस शीट बनाना। चिट्ठा या बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, यहाँ पे बेटा जो आपको डेट दी रहेगी वो आप यहाँ पे, और यहाँ पे जो ईयर दिया रहेगा वो आप खुद ही मेंशन करेंगे। साथ में क्रमबद्धता क्या होती है, आर्थिक चिट्ठे क्रमबद्धता, यानी जिस आप सीक्वेंस में आर्थिक चिट्ठे की चीज़ों को दिखाते हैं उसको आर्थिक चिट्ठे की क्रमबद्धता कहते हैं। तो आज यहाँ पे देखिए दो भागों में होता है, ये आपका बायां पक्ष है, ये आपका दायां पक्ष है। आपका जो बायां पक्ष होता है ये दायित्व पक्ष कहलाता है, दायित्व पक्ष। और जो आपका बायां पक्ष होता है ये आपका कहलाता, दाहिना पक्ष होता है वो क्या कहलाता है, संपत्ति पक्ष। यानी ये आपका बायां हो गया और ये आपका दाहिना हो गया। अब देखते हैं, इसको कहते हैं इंग्लिश में लायबिलिटीज एंड एसेट्स। यहाँ पे आपका अमाउंट, यहाँ पे भी आपका अमाउंट। अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले कैपिटल यानी पूंजी, आप पूंजी के बारे में पढ़ चुके हैं। यानी जब आप पीएल अकाउंट बनाते हैं तो पीएल अकाउंट से क्या आता है, आपका नेट प्रॉफिट आता है। यहाँ पे आपको एक पूंजी दी रहेगी, उसको वहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद जो आपका नेट प्रॉफिट आता है, यानी आप जो भी व्यापार क्या कहते हैं लाभ हानि खाता बनाते हैं, वहाँ से जो आपका लाभ आता है उसको यहाँ पर लिखते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ पे आंसर आ जाता है। यदि आपका लाभ हानि खाते में हानि आती है उसको यहाँ लिखते हैं नेट लॉस, और पूंजी में से उसको घटा देते हैं, तब भी आपका आंसर आता है। उसके बाद क्या करते हैं, ड्राइंग यानी आहरण, जो भी आप अपने निजी प्रयोग के लिए वस्तु निकाली व्यापार से उसको क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं, ये कहलाता है आहरण, इसको घटाया जाता है। फिर है संचिति, संचिति का अर्थ होता है आप अपने व्यापार में कुछ रिजर्व रखते हैं फ्यूचर के लिए, उसी को संचिति कहते हैं, ये भी आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आता है। फिर है लेनदार, लेनदार आप जानते हैं जिनको आपको पैसा उधार लिया है, जिनको देना है उनको लेनदार कहते हैं, और ये सारे क्या होते हैं, आपके दायित्व है, ठीक है, जिसको आपको भुगतान करना ही करना है। फिर है बिल्स पेबल, ये भी बिल्कुल होता है, उसका भुगतान आपको करना है। बैंक लोन, आपने व्यापार में जितने भी प्रकार के लोन लिए हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, उसका भी भुगतान आपको क्या करना है, भविष्य में करना होता है, ये आपके दायित्व तो होते हैं, इसीलिए इनको क्या करते हैं, दायित्व पक्ष में लिखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक अधिविकर्ष में, इसको कहते हैं हिंदी में, इसका अर्थ क्या होता है, जब आपने अपनी क्षमता से ज़्यादा व्यापार क्या करते हैं, बैंक से पैसा उधार लेते हैं और कुछ समय बाद क्या करता है, बैंक को आपको भुगतान करना होता है, उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, ये भी आप क्या होते हैं, दायित्व। इसमें आपको इंटरेस्ट भी देना होता है, उसे कैलकुलेशन आप पीएल में करते हैं। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये क्या होते हैं, आपके अदद खर्चे होते हैं, और अनअक्रूड इनकम, ये क्या होते हैं, आपकी आय होती है। इन दोनों के विषय में हम डिटेल में काफ़ी अगले चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे आपका समायोजन खाते उसमें पढ़ेंगे क्या होता है। अब संपत्ति पक्ष में आते हैं, देखिए गुडविल यानी ख्याति, यानी अगर आज की डेट में अपने व्यापार को बेचते हैं तो उस व्यापार की क्या कीमत है, उसी को गुडविल कहते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग यानी आपकी जो भूमि और आपकी जो बिल्डिंग है उसकी क्या कीमत है, वो यहाँ पे लिखा जाता है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट और मशीनरी अलग अलग भी दिया जा सकता है, तो उसकी क्या कीमत है ये। फर्नीचर, व्यापार में जो भी फर्नीचर होगा वो आपका, ये सब क्या है, जिसको बेचने पे आपको धन की प्राप्ति हो जाए, यानी उसको बेचने के बाद आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, उसे ही आप संपत्ति कहते हैं। पेटेंट क्या होते हैं, आपके व्यापार में आपने 10 साल 15 साल के लिए किसी चीज़ का पेटेंट अपना अथराइज करा लिया कि वो आपका है, उसी को पेटेंट कहते हैं, यानी आपका क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मोटर व्हीकल्स क्या होती है, आपके पास जो गाड़ियाँ हैं, जो साधन है आपके व्यापार में प्रयोग होते हैं वो। स्टोर यानी आपके पास जो भी गुड्स हैं वो। क्लोजिंग स्टॉक, जानते ही हैं आपके व्यापार में जो भी माल है अंतिम वो। डेटर्स यानी जिनसे आपको पैसा लेना है, डेटर्स कहलाते हैं। बिल्स रिसेबल यानी आपने देखा बिल्स पेबल और बिल्स रिसेबल, यानी जिनसे भी आपको भुगतान प्राप्त करना है वो आपका बिल्स रिसेबल होता है। इन्वेस्टमेंट विनियोग यानी आपने अपने व्यापार के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करना किया है और जिसके बदले में आपको भविष्य में पैसा मिलने वाला है वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, यानी किसी भी चीज़ में आपने पैसा अपना लगा दिया है। एक्रूड इनकम ऐसी इनकम होती है जो आपको व्यापार से प्राप्त होनी है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऐसा एक्सपेंसेस जो आपने अपने व्यापार में कर दिए हैं और वो कई वर्षों तक चलेंगे, ये नहीं कि एक बार कर दिया तो खत्म, अभी एक साल के लिए दो साल नहीं, बहुत 10 साल 15 साल के लिए आपने वो एक्सपेंस कर दिए हैं, ठीक है, उसको कहते हैं अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। फिर है कैश एट बैंक यानी आज की डेट में आपके बैंक में कितना पैसा है, कैश इन हैंड, और आज की डेट में आपके पास हाथों में कितना पैसा है, ये कहलाता है कैश इन हैंड।
ये आपको हो गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट को एक साथ बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।